भोपाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्या हुआ तेरा वादा अभियान के तहत मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए एक जंगी प्रदर्शन किया। इस जंगी प्रदर्शन में शामिल होने प्रदेश भर से युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे और रंगमहल चौराहे पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद सीएम हाउस घेरने निकले कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया और भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई तो आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए जा रही है, आप देख रहे हैं रोशनपुरा है, और जो हमारे कैमरा पर्सन है सतीश गुप्ता जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्रदर्शन चल रहा है यहाँ किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखिए कि ये वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है, पुलिस जबरदस्त तरीके से वाटर कैनन का उपयोग कर रही है। यहाँ पर करीबन 3 गाड़ियां ऐसी रखी हुई हैं पुलिस की जो वाटर कैनन के लिए उपयोग की जा रही हैं। 4 से 5 हजार में बैरिकेड लगाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शनकारी यहां पर आए हुए हैं और जो कि रोशनपुरा पर हैं। आप देखेंगे फलास होटल की तरफ जाते हैं, उधर से सीएम हाउस के लिए निकल जाते हैं, वहां पर भी बैरिकेड लगाए। इधर आप टीटी नगर थाने की तरफ जाते हैं, वहां भी बैरिकेड लगाए। और सबसे बड़ा बैरिकेड जो करीबन 5 लेयर का है, 5 लेयर का यहां पर बैरिकेड लगाया और अब यहां से कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं निकल पा रहे। दूसरी बार फिर से यहां पर आंसू गैस का उपयोग किया गया है। आप देखिए किस जबरदस्त तरीके से आंसू गैस है और जो यहां पर कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता है प्रदर्शनकारी है, एक भी आपको अब उस जगह पर नहीं दिखाई दे रहा है जो यहां पर कहा जाए कि प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया में सुर्खियां मध्य ही जीतू पटवारी कटनी पहुंच गए, पीड़ित परिवार से मिले और यहां पर जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बात की जानकारी लगी, तत्काल उन्होंने आदेश दे दिए और टीआई समेत 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। डीआईजी स्तर के अधिकारी जो हैं इस मामले की जांच कर रहे हैं। ये अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है कि 1 साल पहले ये मामला हुआ था, लेकिन अगर सुर्खियों में नहीं आता, विपक्ष इसको नहीं उठाता तो शायद ये मामला दबा रहता है। और आज दूसरे दिन एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, युवा क्रांति युवा कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा था, जो कि यहां पर देखा गया है कि पुलिस ने जबरदस्त तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की। जब प्रदर्शनकारी नहीं रुकते देखे तो वाटर कैनन का उपयोग किया, आंसू गैस का उपयोग किया और फिर भी जब नहीं रुके तो गिरफ्तारी कर ली। कैमरा पर्सन सतीश यादव के साथ GS ठाकुर, TV24 भोपाल।